Hello students, the next topic is packing efficiency in hexagonal closed pack structure and cubic closed pack structures or cubic closed pack arrangements. देखिए ये जो packing efficiency होती है hexagonal closed pack और cubic closed pack arrangement में वो ये बिल्कुल एक जैसी होती है. यदि हम packing efficiency इस टाइप के structures में calculate करना चाहते हैं तो हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो पार्टिकल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के यूनिट सेल में वो अगेन एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बट जो पार्टिकल फेस सेंटर पे होता है और जो फेस डायगोनल के अपोजिट जो आपके पार्टिकल होते हैं यूनिट सेल में वो एक दूसरे को डायरेक्टली टच करते हैं. तो यदि हम इस आइडिया को माइंड में रखें तो बड़े आराम से हम पैकिंग एफिशिएंसी जो है एचसीपी या सीसीपी टाइप का जो यूनिट सेल है उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे हम कुछ चीज़ें अगेन कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपका फेस डायगोनल है ए सी दैट इज इक्वल टू 4R. यहाँ पे स्मॉल आर जो है अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ द एटम. नाउ जो ए बी है दैट इज इक्वल टू ए बी, दिस इज ए बी. That is equal to BC and that is taken as A. A यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एज लेंथ. मतलब यहाँ पे ए बी भी एज लेंथ है और बी सी भी क्या है? एज लेंथ है. और दोनों को हमने कंसिडर किया है स्मॉल a या एज लेंथ. अब यदि हम कंसिडर करें राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल इज हेयर. सो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इफ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम देन अगेन हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर दैट शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वेयर ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर विच इज द बेस स्क्वेयर. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर. नाउ ए सी रिप्रेजेंट द फेस डायगोनल एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 4R. सो 4R स्क्वेयर, ए बी रिप्रेजेंट एज लेंथ सो इट इज ए, BC also depend as length, it is also A. So 4R square that should be equal to A square plus A square, and which in turn means 16R square that should be equal to 2A square. And calculating A, we shall obtain A equal to 2 under 2R. Now packing efficiency can be calculated by using the formula volume of unit, volume of solid particle divided by volume of unit cell multiplied by 100%. Ab, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगेन यूजिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल विच आर प्रेजेंट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड पार्टिकल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज गिवन बाय अगेन एज लेंथ का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100 जब करेंगे तो इससे हमें पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी. अब हमें पता है कि जो एफसीसी टाइप का या जो एचसीपी टाइप का या जो सीसीपी अरेंजमेंट है इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं पर यूनिट सेल वो 4 होते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल विच इज कंसिडर्ड एज फी दैट इज गिवन 4/3πr³. सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3πr³ विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑल द सॉलिड पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ द यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज गिवन बाई एज लेंथ. एज लेंथ इन दिस केस इज कंसिडर्ड टू बी ए. सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100%. नाउ इफ वी कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यूज by putting the value of A from this equation, A equal to 2 under 2R in this equation, we shall obtain the value of packing efficiency equal to 74%, which is the packing efficiency in case of HCP and CCP type of the arrangement. The main thing which is to be kept in this mind, in the mind, is that the particle which are present at the corner positions, they do not touch each other, but the particle which is present at the face center टच विद दी पार्टिकल विच आर प्रेजेंट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर एट दी कॉर्नर पोजिशन इन दिस टाइप ऑफ द यूनिट सेल. थैंक यू.